हाय डियर स्टूडेंट्स, मैं महेंद्र पांडे आप लोगों का अपने यूट्यूब चैनल के सी आई टैली स्पेशलिस्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के मेरे टैली ऑनलाइन क्लास का टॉपिक है अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री। अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री के अंतर्गत हम बाउचर कैसे यूज करते हैं, बाउचर की एंट्री हम अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री में कैसे करते हैं। मेरी पिछली क्लास आप लोगों ने देखी होगी अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री, जो बेसिक क्लास था जिसमें हम इन्वेंट्री इन्फो के अंतर्गत आने वाले सारे मास्टर्स को हमने क्रिएट किया। मैं उसी के एक क्लास के आगे इस क्लास को बताऊंगा आपको। वो बेसिक क्लास थी, उसके आगे का पार्ट टू आप इसे समझ सकते हैं, बट इस क्लास को आपको समझने के लिए हमारी पिछली क्लास अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री जरूर देखना होगा, क्योंकि वो क्लास यदि आप नहीं देखते हो तो आपको अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री इसका बेसिक नहीं मालूम हो पाएगा, तो ये क्लास आपको अच्छे तरीके से समझ में नहीं आएगी। तो एक बार आप मेरी पिछली वीडियो अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री जा करके देख लें, वीडियो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहां से आप वीडियो को प्राप्त कर सकते हैं। चलिए क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें तथा हमारी वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के पास आप शेयर जरूर करें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्लास को अटेंड कर पाए तथा वीडियोस को आप लास्ट तक देखें, जिससे आपका सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो पावे। तो चलिए चलते हैं, हम देखते हैं। एक हमारा एग्जाम्पल एंट्री मैंने ले रखा है यहाँ से, एमके टेलीकॉम को 5 पीस नोकिया 3310 तथा 5 पीस सैमसंग J7 बेचा 57,500 रुपये का। देखिए मैंने यहाँ नोकिया 3310 और सैमसंग J7 इसलिए रखा है एंट्री में, क्योंकि मैं इसके से पहले जो मेरी पिछली क्लास थी उसमें मैंने इसका मास्टर क्रिएट करके रखा हुआ है, हम उसी के आगे इसको पढ़ाएंगे, तो इसलिए मेरी पिछली वीडियो आप जरूर देख लें। एक बार एंट्री देख लें, एमके टेलीकॉम को 5 पीस नोकिया 3310 तथा 5 पीस सैमसंग J7 बेचा 57,500 रुपए का। चलिए इसकी एंट्री करके देख लेते हैं। हमने सारे मास्टर्स क्रिएट कर रखे हैं, हमने अकाउंट्स इन्फो में हमने लेजर क्रिएट कर रखा है, यहां से लेजर क्रिएट कर रखा है एमके टेलीकॉम और सेल्स का। इन्वेंट्री इन्फो में हमने सारे ग्रुप आइटम कैटेगरी हमने सब क्रिएट करके रखा हुआ है, पिछली क्लास में आपने देखा होगा, जिसने भी ना देखा हो वीडियो जरूर देख ले, तभी ये पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा। तो आप देख पा रहे हैं सारा कुछ हमने यहाँ क्रिएट कर रखा है। तो चलिए हम चलते हैं वाउचर में। ट्रांजेक्शन मीनू में वाउचर है, जिसमें अकाउंटिंग वाउचर है और इन्वेंट्री वाउचर है। हमें करना इन्वेंट्री वाउचर है, बट हम अकाउंटिंग वाउचर से भी वहां जा सकते हैं, चूंकि जो सेल्स वाउचर है हमारा वो अकाउंटिंग वाउचर है। तो हम यहाँ से चलते हैं अकाउंटिंग वाउचर में। हम हैं देख रहे हैं आप अकाउंटिंग वाउचर क्रिएशन ओपन होकर के आ गया है, बट वाउचर में हम वाउचर मोड चेंज करते हैं। वाउचर मोड कहने का मतलब क्या है, अगर हम इसे एज अ वाउचर मोड करना चाहते हैं, अभी ये हमारा इनवाइस मोड में और आइटम इनवाइस ओपन है, जिसमें आप देख रहे हैं सेल्स लिखा हुआ है, इधर नीचे नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी रेट अमाउंट, नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी रेट अमाउंट यदि शो कर रहा है तो जहां आप समझें उसे कि हम आइटम इनवाइस पर वर्क कर रहे हैं। अगर हम अकाउंट इनवाइस पे आना चाहते हैं तो अल्ट के साथ आई प्रेस करें। अल्ट के साथ हमने आई प्रेस किया, हम अकाउंट इनवाइस में आ चुके हैं। आप देख रहे हैं बटन बार पे आइटम इनवाइस, अगर हम आइटम इनवाइस पर जाना चाहते हैं तो यहीं क्लिक कर दें, आइटम इनवाइस पे पहुंच गए। अगर हम आइटम इनवाइस से अकाउंट इनवाइस में जाना चाहें तो यहीं क्लिक कर दें, अकाउंट इनवाइस में चले आए। आप देख रहे हैं अकाउंट इनवाइस में यहाँ पर्टिकुलर रेट एंड अमाउंट लिखा होता है, बट आइटम इनवाइस के अंतर्गत नेम ऑफ आइटम क्वांटिटी रेट एंड अमाउंट शो करता है। अगर हम वाउचर मोड में जाना चाहें तो कंट्रोल के साथ वी प्रेस कर दें तो हम वाउचर मोड में जाएंगे, जहां हमें पर्टिकुलर डेबिट और क्रेडिट शो करेगा। अगर हम एज इनवाइस मोड में जाना चाहें तो फिर कंट्रोल वी करेंगे तो हम एज इनवाइस मोड में आ जाएंगे। कहने का मतलब एज अ वाउचर मोड या फिर एज इनवाइस मोड हमें अगर टॉगल करना है तो कंट्रोल वी शॉर्टकट से हम जा सकते हैं। बटन बार पे आप देख पा रहे होंगे वी के नीचे डबल अंडरलाइन है, कहने का मतलब कंट्रोल के साथ अगर हम वी प्रेस करते हैं तो एज अ वाउचर मोड एज अ इनवाइस मोड हम टॉगल कर सकते हैं। हमें काम आइटम इनवाइस में करना है तो हम यहाँ आइटम इनवाइस में हैं, देखते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों को वाउचर मोड समझ में आया होगा। चलते हैं, हम एक रेफरेंस नंबर दे देते हैं, एंटर करते हैं एमके टेलीकॉम, एंटर करते हुए नीचे आ जाते हैं। हम यहाँ सेल्स अकाउंट करते हैं,
नेम ऑफ आइटम में हम नोकिया 3310 देते हैं। 5 पीस हम सेल कर रहे हैं 3000 के रेट से, 15000 हो गया। सैमसंग J7 हम सेल कर रहे हैं 5 पीस 8500 के रेट से, तो आप देख रहे हैं 57500 रुपये आपका कंप्लीट हुआ, 15000 रुपये का आपका नोकिया 3310 5 पीस तथा सैमसंग J7 5 पीस 8500 के रेट से 42500 का टोटल अमाउंट हुआ 57500। आप एक बार एंट्री देख लें कि अमाउंट क्या था हमारा, एमके टेलीकॉम को 5 पीस नोकिया 3310 तथा 5 पीस सैमसंग J7 बेचा 57500 रुपये का। एज एग्जाम्पल है ये कि आपको कॉन्सेप्ट कंप्लीटली समझ में आ जाए। हम यहाँ से एक्सेप्ट करते हैं, नीचे आते हैं, यहाँ हम न्यू रेफरेंस में चले जाते हैं, यहाँ बिल नंबर हम दे देते हैं, यहाँ हम 30 डेज पीरियड दे दिया हमने, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लेते हैं, एक्सेप्ट कर लिया। तो आपने देखा कि हम अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री का वाउचर में एंट्री कैसे पोस्ट करते हैं, उसका एक बेसिक कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ समझाया। मैं आशा करता हूँ कि आपको अकाउंट्स विथ इन्वेंट्री के अंतर्गत हम वाउचर कैसे करते हैं तथा वाउचर मोड को हम कैसे चेंज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आपके समझ में आई होंगी। यदि आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप वीडियो को एक दो बार करके देख सकते हैं, अगर प्रॉब्लम सॉल्व ना हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं, तो उसका जो एग्जैक्ट सजेशन होगा वो हम आपको प्रेषित करेंगे कमेंट के माध्यम से। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड्स के पास शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।